वेलकम बैक टू संघर्ष आई क्यू। आज के सेशन में हम 14th to 20th अक्टूबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। सो इस वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बना है 14th महारत्न PSU। इससे पहले ये नवरत्न था और इसको अभी बना दिया गया है 14th महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देन 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड किए गए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। सो एज ऑफ नाउ हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। उनका कार्यकाल खत्म होगा 10 नवंबर को। सो उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना। देन नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C भी कहा जाता है, रश्मिका मंदाना। देन समर्थक जो कि इंडियन नेवी का वन ऑफ द 2 मल्टीपर्पज वेसल्स में देख है और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है तमिलनाडु में। देन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स जो कि रिसेंटली हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में, इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है उड़ीसा को। सो उड़ीसा इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है, उत्तर प्रदेश को इसमें सेकंड प्राइज मिला है। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। हु रिप्रेजेंट इंडिया एट द 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो हमें पता है ये एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये इवेंट हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो ये बहुत ही न्यूज़ में था, बिकॉज 8 से 10 साल के बाद पाकिस्तान में हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया है। सो याद रखना है 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। सो SCO में दो तरह की मीटिंग्स होती हैं, एक तो होती है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जिसे CHG भी कहा जाता है, और एक होता है हेड्स ऑफ स्टेट जिसे समिट कहा जाता है। सो इस साल जो 24th SCO समिट हुआ था वो हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में, और ये था हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। सो दोनों में डिफरेंस है, हमें याद रखना है 24th SCO समिट हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में, ये जुलाई में हुआ था, और 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। 1996 में SCO 5 बना था, जिसमें चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया एंड ताजिकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2001 में उज़्बेकिस्तान इंडक्ट हुआ था, जिसके बाद 2002 में SCO चार्टर आया। सो SCO चार्टर बना था 2002 में। उसके बाद 2005 में इंडिया और पाकिस्तान एज ऑब्जर्वर कंट्रीज आई थी SCO में, 2005 में इंडिया पाकिस्तान एज ऑब्जर्वर कंट्रीज। उसके बाद 2017 में ये फुल मेंबर बने, इंडिया पाकिस्तान फुल मेंबर बने 2017 में। उसके बाद 2023 में ईरान को इंडक्ट किया गया एस 9th मेंबर। सो इससे पहले SCO में 8 मेंबर्स थे, SCO 5 6th उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान 7th एंड 8th मेंबर बने 2017 में। 2023 में ईरान को इंडक्ट किया गया एस 9th मेंबर। देन 24th SCO समिट 2024। तो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि SCO में दो तरह की मीटिंग होती है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड्स ऑफ स्टेट, जिसे समिट भी कहा जाता है, SCO समिट। सो 23rd हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में कुछ ही दिन पहले, और हेड्स ऑफ स्टेट्स SCO समिट हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में जुलाई में, जहां पे बेलारूस को इंडक्ट किया गया है एज 10th मेंबर। सो अब SCO में टोटल 10 कंट्रीज है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि SCO में टोटल कितनी कंट्रीज है, SCO में टोटल 10 कंट्रीज हैं, और सबसे न्यूएस्ट मेंबर है बेलारूस, और इसका सेक्रेटरिएट है बीजिंग में, और यहाँ पे एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी है, उसका हेडक्वार्टर है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, इसको भी याद रखना है। और नेक्स्ट ईयर ये समिट कौन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? चाइना। सो जो SCO समिट होगा 25th SCO समिट 2025, ये चाइना में होने वाला है। सो ये रही हमारी 9 कंट्रीज SCO की, और बेलारूस इसमें अभी ऐड हो चुका है एज 10th मेंबर स्टेट। सो बेलारूस को यहाँ से निकाल कर यहाँ करना है, 10th SCO मेंबर स्टेट होगा बेलारूस, और दो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। सो 10+2 ये हमें याद रखनी है, 10+2 10 मेंबर कंट्रीज हैं, दो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान मंगोलिया। सो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है फॉर 10 कंट्रीज, जिसको मैजिक ट्रिक बोलते हैं, इंडियन बेलारूस ट्रक इन पाकिस्तान। इंडियन बेलारूस ट्रक इन पाकिस्तान से आप SCO की सारी कंट्रीज याद कर सकते हैं, इंडियन फॉर इंडिया, बेलारूस फॉर बेलारूस, T फॉर तजिकिस्तान, R फॉर रशिया, U फॉर उज़्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर किर्गिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान,
IN for Iran and P for Pakistan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ये ट्रिक हमें याद रखनी है, इंडियन बेलारूस ट्रक इन पाकिस्तान. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एशियन की कंट्रीज, क्योंकि एशियन सबमिट हुआ था जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था लाओस में. सो वो सबमिट हुआ था लाओस में, इंडिया एशियन सबमिट. वहाँ पे भी हमने मैजिक ट्रिक पढ़ी थी, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस. वहाँ पे भी 10 कंट्रीज थी. सो मैजिक ट्रिक हमारे एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं और आपको ईजिली रिमेंबर हो जाएंगी कौन कौन सी कंट्रीज है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसको अच्छे से हमें याद रखना है. द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज 2024 वॉज रिसेंटली अवार्डेड टू. सो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था नोबेल प्राइजेस, बट तब इकोनॉमिक साइंसेज वाला अनाउंस नहीं हुआ था. सो अब इकोनॉमिक साइंसेज वाला अवार्ड अनाउंस हो चुका है और ये मिला है ऑल ऑफ द अबव. तो ज्वाइंटली तीन लोगों को मिला है, ज्वाइंटली मिला है डेरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी. सो ये कीवर्ड हमें याद रखना है, प्रॉस्पेरिटी. इकोनॉमिक साइंसेज में जॉइंटली मिला है. तो नोबेल प्राइज़ की बात करें, हमने डिस्कस किया था सेपरेटली क्लास में कि 1901 में नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे इन द मेमोरी ऑफ लेट अल्फर्ड नोबेल. सो अल्फर्ड नोबेल की याद में ये स्टार्ट हुए थे, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, फिलेंथ्रॉफिस्ट थे, और उनकी एक विल थी, विल ऑफ 1895, जिसमें ये कहा गया था कि ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाए जो मैनकाइंड को ग्रेटेस्ट बेनिफिट कॉन्फर करें, जो ह्यूमन काइंड को ग्रेटेस्ट बेनिफिट कॉन्फर करते हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं. सो 1901 में 5 नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे और 1968 में इकोनॉमिक साइंसेज वाला ऐड हुआ था. ये भी हमें याद रखना है, जो इकोनॉमिक साइंसेज वाला था वो 1968 में ऐड हुआ था. उससे पहले 5 नोबेल प्राइज थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस प्राइज एंड लिटरेचर, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस की, ईडी से जेम्स की प्रॉस्पेरिटी. सो ई फॉर इकोनॉमिक साइंसेस, डी फॉर डेरन एस्मोग्लू, एस सी फॉर साइमन जॉनसन, जेम्स फॉर जेम्स रॉबिन्सन एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसके लिए अवार्ड मिला है, हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी. सो ईडी से जेम्स की प्रॉस्पेरिटी, बस इतना ही याद रखना, आपको इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज याद हो जाएगा. और बाकी नोबेल प्राइजेस हमें याद रखने हैं फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में. तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला विक्टर एम्ब्रोस को एंड गैरी रूफकिन को फॉर माइक्रो आरएनए. तो हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी, मेडिविक जी का आरएनए, मेडिसिन, विक फॉर विक्टर एम्ब्रोस, जी फॉर गैरी रूफकिन, और किसके लिए मिला है, माइक्रो आरएनए. सो हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल मैजिक ट्रिक्स हैं जिससे आप याद रख सकते हैं मेडिविक जी का आरएनए. लास्ट में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक साइंसेस, और लास्ट स्लाइड में इकोनॉमिक साइंसेस का ईडी से जेम्स की प्रॉस्पेरिटी, मेडिसिन का मेडिविक जी का आरएनए, देन फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है जॉन जे होपफिल एंड जॉफरी ई हिंटन को फॉर इनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. तो यहाँ पे कीवर्ड है मशीन लर्निंग, और इसका हमने बनाया था पीजे जैमल. सो जैमल एक सरनेम है, तो हमें याद रखना है पीजे जैमल. पी फॉर फिजिक्स, जे फॉर जॉन ए होपफिल, जी ओ फॉर जॉफरी हिंटन एंड एम ए एल फॉर मशीन लर्निंग. देन केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला जॉइंटली डेविड बेकर को, डैमिस हैसाबिस को एंड जॉन एम जम्पर को फॉर प्रोटीन डिजाइन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, और इसकी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है CDDLJ प्रोटीन. सो सी फॉर केमिस्ट्री, डी फॉर डेविड बेकर, डैमिस हैसाबिस, एल यहाँ पे साइलेंट होगा, जे फॉर जॉन एम जम्पर, और किस चीज़ के लिए मिला, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन डिजाइन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. सो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमें याद रखनी है, क्वेश्चन नोबेल प्राइज पे पक्का पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में. देन लिटरेचर और पीस प्राइज में एक को ही मिला है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको इजीली याद रख सकते हैं. लिटरेचर का प्राइज मिला है हैन कैंग, जो कि साउथ कोरिया से हैं. देन नोबेल पीस प्राइज मिला है निहोन हिडियंको, जो कि एक जैपनीज एनजीओ है. निहोन हिडियंको एक जैपनीज एनजीओ है जिसके एफर्ट्स से अचीव हुआ है वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. सो ये कीवर्ड याद रखने हैं, लिटरेचर और पीस प्राइज किसे किसे मिला है. हुज़ नेम हैज़ बिन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो हमारे अगले चीफ जस्टिस कौन होने वाले हैं, ये होने वाला है जस्टिस संजीव खन्ना. ये रहे जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे 51st चीफ जस्टिस होंगे, और डी वाई चंद्रचूड़ हैं 50th. सो एज ऑफ नाउ हमारे हैं डी वाई चंद्रचूड़ 50th चीफ जस्टिस, जो कि 10th ऑफ नवंबर को रिटायर होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद संजीव खन्ना विल टेक द हेल्प एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया. सो उसके बाद होंगे बी आर गवई, संजीव खन्ना के बाद बी आर गवई के बाद होंगे सूर्यकांत. सो दीज आर द 51st, 52nd, and 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और यहाँ पे एक नाम है बी वी नागरत्ना, जो कि हमारी फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होंगी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027 फॉर 36 डेज. इनका टर्नओवर 36 डेज का होगा. 2027 में ये इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनेंगी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी हमें याद रखना है. वेयर डिड इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसे 1TSB कहा जाता है, इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट कहाँ ख़त्म की? और ये इन्होंने ख़त्म की है मनामा, जो कि है बहरीन में, मनामा बहरीन में. सो इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसे 1TSB कहा जाता है, INS टिर एंड ICGS वीरा कम्प्लीटेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट टू मनामा बहरीन. सो बहरीन एक अरब कंट्री है, और इस डेलीगेशन में सी ट्रेनिंग्स थे जिन्होंने नेवल फैसिलिटी ऑफ बहरीन को विजिट किया. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन नेवी, जिन्होंने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग ख़त्म की है मनामा बहरीन, जो कि एक अरब कंट्री है. हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा? सो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर, सॉरी हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सो ये बने हैं नायब सिंह सैनी. सो रिसेंटली हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे. सो हरियाणा के सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, और जम्मू कश्मीर के सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला. सो हरियाणा में बीजेपी को टोटल 48 सीट्स मिली थी, और कांग्रेस अपोजिशन में 37 सीट्स लेके आई है. सो दिस वाज द सिनेरियो, ब्रॉड सिनेरियो. 90 सीट्स थी हरियाणा में, जिसमें से बीजेपी को 48 मिली हैं, कांग्रेस को 37, INLD को 2 एंड इंडिपेंडेंट्स को 3 सीट्स मिली हैं. उसके बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट्स मिली हैं, और बीजेपी को 29, और जिसमें 6 INS कांग्रेस की और 1 आम आदमी पार्टी और 7 इंडिपेंडेंट्स मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई है. और ऑपोजिशन में कौन होगा? बीजेपी विथ 29 सीट्स. विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ 3.5 बिलियन ड्रोन डील फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स? सो इंडिया ने किस कंट्री के साथ $3.5 बिलियन की ड्रोन डील साइन की है फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स? सो ये डील साइन हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, 31 MQ-9B ड्रोन्स. सो इस ड्रोन में दो वेरिएंट होते हैं, स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन. तो हमें 16 स्काई गार्डियन मिलेंगे और 15 सी गार्डियन मिलेंगे टू एनहेंस आर डिफेंस कैपेबिलिटीज. इसमें 15 ड्रोन्स इंडियन नेवी के लिए होंगे और 8 होंगे आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए. सो दिस इज द MQ-9B ड्रोन. हु वॉज रिसेंटली नेम्ड नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4CB कहा जाता है. सो कौन अनाउंस हुई है एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? ये हुई है रश्मिका मंदाना. सो रश्मिका मंदाना को अनाउंस किया गया है एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री याद रखनी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये सेंटर बना है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. वट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वॉज मेड इन डीएनएस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स? सो रिसेंटली सरकार ने डीए इंक्रीज किया है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, इट इंक्रीज हुआ 3%. सो डीएनएस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, इसे बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता. तो हमारा जो इन्फ्लेशन है, जब महंगाई इंक्रीज करती है तो उस पर ये बेस्ड होता है. जब महंगाई इंक्रीज करती है तो हम जो एम्प्लॉयज़ के सैलरीज भी बढ़ाते हैं, तो हमारी बेसिक पे होती है उसका ये 45% अप करती है. सो जो हमारी जॉब लगती है तो हमें कुछ बेसिक पे मिलती है, जैसे 30,000 हमारी बेसिक पे है. जब तक हमारी प्रमोशन नहीं होती तो ये बेसिक पे वैसे ही रहेगी. अगर किसी की प्रमोशन 10 साल बाद आती है तो उसके बाद ये बेसिक पे चेंज होती है. तो इसके ऊपर हमें DNS अलाउंस मिलता है. सो दैट इज़ 45% अब जुलाई 2024 से, पहले ये 42% था. सो 45% ऑफ 30,000 ये सैलरी में ऐड हो जाएगा एज DNS अलाउंस. विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर रिसेंटली गॉट इंडक्टेड इन टू ICC हॉल ऑफ फेम? सो कौन सी इंडियन महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट की गई है? ये है नीटू डेविड. सो ICC ने रिसेंटली 3 लेजेंडरी प्लेयर्स को अपने ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया है. फर्स्ट है
इंग्लैंड के ओपनर एलिस्टर कुक, फॉर्मर इंग्लैंड ओपनर एलिस्टर कुक, इंडिया की टीम प्लेयर नीटू डेविड एंड साउथ अफ्रीका के बैट्समैन एवी डिविलियर्स। तो तीनों नाम याद रखने हैं, एलिस्टर कुक, नीटू डेविड एंड एवी डिविलियर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस। सो ये कितने नंबर के बने हैं महारत्न, ये बने हैं 14th। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL भी कहा जाता है, इसको महारत्न स्टेटस ग्रांट किया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेकिंग इट द 14th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो सरकारी कंपनीज होती है, उनको तीन कैटेगरीज में डाला जाता है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न एंड सबसे बड़ा होता है महारत्न। जो महारत्न का कुछ क्राइटेरिया होता है कि कोई कौन सी कंपनी महारत्न बन सकती है, जिसका लास्ट 3 ईयर्स में 25,000 करोड़ टर्नओवर हो, 15,000 करोड़ नेट वर्थ हो, 5,000 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट होता है। सो लास्ट 3 ईयर्स में 25,000 करोड़ टर्नओवर, 15,000 करोड़ नेट वर्थ एंड 5,000 करोड़ नेट प्रॉफिट होता है, वो कंपनी महारत्न बनती है। और ये कंपनी जब महारत्न बन जाती है, इनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ये कर सकते हैं। सो हर चीज़ के लिए इनको गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अप टू 5,000 करोड़ रुपीज़ तक ही इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, जितना इनका प्रॉफिट होता है। हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो किन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला, ये हैं एस परमेश। सो एस परमेश टुक ओवर एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसी के साथ साथ हमें प्रवीण वशिष्ठा के बारे में भी बताना चाहिए, जिनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडियाज सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। सो कौन सा नेशनल पार्क इमर्ज हुआ है इंडिया का दूसरा बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। सो काजीरंगा नेशनल पार्क में 446 से ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया है, मेकिंग इट द सेकेंड हाइएस्ट आफ्टर नामडफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। सो यहाँ पर हमें याद रखना है, नामडफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, पेरियार नेशनल पार्क है केरला में, एंड कियोलादो नेशनल पार्क है राजस्थान में। सो ये भी हमें याद रखनी है, कियोलादो नेशनल पार्क राजस्थान में है, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, एंड नामडफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट बैग द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। सो रिसेंटली ये अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स, जिसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है उड़ीसा को। सो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 ये न्यू दिल्ली में अनाउंस हुए थे, यहाँ पे उड़ीसा ने फर्स्ट प्राइज जीता है, उत्तर प्रदेश ने सेकंड प्लेस जीता है, एंड गुजरात एंड पांडिचेरी ने जॉइंटली सिक्योर किया थर्ड प्लेस। सो इसी के साथ साथ हमें मिनिस्टर याद होने चाहिए, हमारे वाटर मिनिस्टर, जिसे जल शक्ति मंत्री भी कहा जाता है, वो है CR पाटिल। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और वाटर मिनिस्टर हैं CR पाटिल, ये गुजरात से हैं। वॉट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड अंडर 2 मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट बाई द इंडियन नेवी। सो फर्स्ट वेसल अंडर द 2 मल्टीपर्पज वेसल्स जो इंडियन नेवी ने लॉन्च की है, इसका नाम है समर्थक। सो इंडियन नेवी ने रिसेंटली समर्थक, द फर्स्ट वेसल ऑफ द 2 मल्टीपर्पज वेसल्स एट LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली, जो कि चेन्नई के पास है, ये चेन्नई के पास है इन तमिलनाडु। सार्थक का मतलब होता है सपोर्टर, एंड इज डिजाइन फॉर वेरियस रोल्स इंक्लूडिंग टोइंग शिप्स, लॉन्चिंग टारगेट्स एंड टेस्टिंग वेपन्स। वेयर वॉज द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन हेल्ड। सो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसको IPU भी कहा जाता है, इसकी 149th असेंबली कहाँ हुई थी, ये हुई थी जिनीवा में। सो जिनीवा में इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को गाइड किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। ये रहे लोकसभा पे स्पीकर ओम बिरला, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश राय, अनुराग सिंह ठाकुर, राजीव शुक्ला, इन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। सो इसमें ऑलरेडी 180 मेंबर पार्लियामेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। सो दुनिया भर से 180 मेंबर पार्लियामेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करी थी, उसके अलावा 15 एसोसिएट मेंबर्स भी थे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर सेंसेक्यू सेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।